अब हम लोग देख रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है ना, जीडीपी के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है। हम लोग अच्छा मार्केट वैल्यू देख लिए, उसको सम कर देंगे हम लोग, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ, कोई चीजें जो होती है मार्केट के अंदर सोल्ड नहीं होती, उनकी प्राइजेस नहीं होती। लाइक मम्मी का खाना बनाना, आपके आपके मम्मी, मेरी मम्मी का, चाइल्ड का देखभाल करना, तो ये सब चीजें जीडीपी के अंदर नहीं आती। वो सर्विसेज दे रहे हैं, 1 सालों के अंदर दे रहे हैं सर्विसेज, विथ इन आवर नेशन दे रहे हैं सर्विसेज, न्यूली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड भी है, बट नॉट इंक्लूडेड जीडीपी। व्हाय? बिकॉज उनका मार्केट वैल्यू नहीं है। तो ये दिक्कत आती है मार्केट वैल्यू से निकालने में, ठीक है ना। ये हमारा प्रॉब्लम आता है कि मार्केट वैल्यू से हम लोग कैसे निकाले, ठीक है। वन सेकेंड प्लीज। तो हमारा मम्मी का काम करना, चाइल्ड रियरिंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर जीडीपी, दैट इज द फॉल्ट ऑफ जीडीपी थ्रू प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू निकालने से जीडीपी की ये फॉल्ट है, दैट इज होम मेकिंग एंड चाइल्ड रियरिंग सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडेड अंडर जीडीपी, ठीक है ना। अच्छा, ये सब तो अच्छी बात है जो जीडीपी के अंदर नहीं आती, बट एक और क्या फॉल्ट है इसका। अब कोई ड्रग्स बेच करके पैसा कमा रहा है, ठीक है ना, ड्रग्स बेच कर वो दुकान पे गया वो गुड्स खरीदने के लिए, तो गुड्स खरीदा तो वो जीडीपी के अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ड्रग्स की मार्केट वैल्यू होती है कि इतनी ड्रग्स की मार्केट वैल्यू। तो ड्रग्स बेचना, ड्रग्स इज बैड फॉर आवर सोसाइटी, बैड फॉर आवर कंट्री, बट क्या ये इलीगल चीज भी है, वो हमारे जीडीपी के अंदर इंक्लूड कर जाती, क्योंकि वो इलीगल चीज से पैसा कमाना, वो इलीगल चीज से पैसा कमा करके मार्केट वैल्यू पे कोई चीजों को खरीदना, कार खरीदना, तो वो क्या होगा, जीडीपी के अंदर आ जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम, है ना, कि इलीगल चीजों, इलीगल एक्टिविटीज भी क्या होता है, इंक्लूडेड अंडर जीडीपी, दैट इज ड्रग्स इंक्लूडेड अंडर जीडीपी, है ना, जो होना नहीं चाहिए, जो मतलब किसी भी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है वो ड्रग्स के थ्रू हो रहा है, दैट इज बैड थिंग ना, जीडीपी का ये गलत बात, ऐसे कैलकुलेट। अच्छा, तीसरा चीज हमारा क्या है कि किसी ने टैक्स का चोरी किया, किसी ने घूस लिया, तो वो पैसे को क्या किया, वो छुपाया, उसने टैक्स को रिप्रेजेंट नहीं किया, और वो टैक्स के थ्रू वो क्या, फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज वो जाकर के कार खरीद रहा है, तो इससे क्या होगा, वो जीडीपी के अंदर फिर इंक्लूड हो जाएगा, है ना, क्या जो लीगल एक्टिविटीज है बट छुपा करके वो काम किया जा रहा है, लाइक टैक्सेस चोरी करना, तो वो क्या होती है, जीडीपी के अंदर आ जाती। सो थर्ड फॉल्ट है ना, दैट इज गवर्नमेंट सर्विसेज, दैट इज हमारा लीगल एक्टिविटीज हिडन फ्रॉम लीगल एक्टिविटीज हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉर्ड, है ना, एग्जाम्पल टैक्स को चोरी कर, है ना, टैक्स चोरी लीगल एक्टिविटीज है बट सरकार से छुपा दिया गया, ठीक है ना, वो पैसे का यूज कोई कार खरीदने में कर रहा है, तो इससे क्या होगा, वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो जीडीपी का प्रॉब्लम है, जीडीपी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और क्या हो सकती है। अब देखिए, कोई गवर्नमेंट की सर्विसेस है, गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपके लिए एनवायरमेंट में अच्छा ऑक्सीजन हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट पे वो पैसे खर्च किया गया, या डिफेंस की सर्विसेज आपको दिया गया है कि आपका रक्षा करने के लिए डिफेंस की सर्विसेज दी गई, तो ये क्या, ये सब चीजें का मार्केट वैल्यू नहीं होती, है ना, ये सब चीजें का मार्केट वैल्यू नहीं होती, इसलिए जीडीपी ये सब चीजों को कैलकुलेट करना दिक्कत वाली बात। बट इसका जीडीपी कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, कि हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट उस चीजों के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है, डिफेंस के ऊपर सरकार ने कितना बजट के अंदर पैसा दिया है, एनवायरमेंट के ऊपर सरकार ने कितना पैसा दिया,
तो उस आधार पर हम लोग जीडीपी फाइंड कर पाएंगे कि कैसा है गवर्नमेंट सर्विसेज का, ठीक है ना। बट हम लोग एक अकेला इंसान पर अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट ने कितना सर्विसेज दिया है, उसका मार्केट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स फोर्थ फॉल्ट नंबर, है ना, दैट इज गवर्नमेंट सर्विसेज आर नॉट सोल्ड इन मार्केट। गवर्नमेंट सर्विसेज जो है आपके लिए जो बॉर्डर पर तैनात है, फौजी तैनात है, उनका क्या है, वो नहीं है, वो तो दे रहे हैं, उनको पेमेंट दे रहे हैं, बट अकेला इंसान का अगर लिखा जाए उनका सर्विसेज मार्केट में सोल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग फाइंड करना मार्केट वैल्यू पर, दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये हुआ मार्केट वैल्यू की कहानी कि मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं, हम लोग देख लिए इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दो, फाइनली न्यूली प्रोड्यूस फूड का जो प्राइस हो, बट सभी चीज की प्राइस नहीं हो सकती, होम मेकिंग चाइल्ड केयर की नहीं हो सकती, इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाता, लीगल एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट से छुपाया गया है वो इंक्लूड हो जाता, गवर्नमेंट सर्विसेज सोल्ड नहीं हो सकती मार्केट, दैट आज द फॉल्ट ऑफ मार्केट वैल्यू के द्वारा निकालने में, ठीक है। हाँ, अब देखो इसी तरीके से और क्या था डेफिनेशन के अंदर मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन में वंस अगेन क्या था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होना चाहिए, न्यूली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। तो अब सेकेंड पार्ट इसका देख रहे हैं, डेफिनेशन को तोड़ तोड़ कर ये देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं, न्यूली गुड्स एंड सर्विसेज किसे कहते हैं, न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। न्यूली प्रोड्यूस्ड का मतलब वो क्या हुआ कि एक किसी भी नेशन के अंदर किसी भी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में कितना नया नया गुड्स बनाया गया है उसको इंक्लूड करना है ना, पुराने वाले चीजों को नहीं इंक्लूड करना है। अब सपोज कोई हाउस की सेल हो रही है, क्या हो रही है, हाउस की सेल हो रही, तो क्या ये अभी के जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा। मैंने 2000 में अपने हाउस बनाया था, अब मैं 2022 में अपने घर को बेच रहा, तो क्या हमारे जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा, नहीं। वाई, बिकॉज इट इज नॉट न्यूली प्रोड्यूस्ड, है ना, इट इज ओल्ड प्रोड्यूस्ड। ये 2000 के जीडीपी में देखेंगे वहां पे इंक्लूड होगा, है ना, दैट इज ये चीज न्यूली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए गुड्स। बट ये जो हाउस को सेल करने में हमारे जो लगे हुए होंगे एजेंट लगे हुए होंगे, है ना एजेंट लगे हुए होंगे, दैट इज उस चीज को क्या कहते हैं, रियल इस्टेट, जो एजेंट लगे हुए होंगे इस हाउस को सोल्ड करने में, तो वो सर्विसेज दे रहे हैं ना, सर्विसेज दे रहे हैं। कब सर्विसेज दे रहे हैं, 2022 में ना सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि उस घर को बेचे, तो वो सर्विसेज दे रहे हैं। इस साल प्रोड्यूस सर्विसेज वो दे रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, हमारे जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा, इंक्लूडेड अंडर जीडीपी, बिकॉज वो इस साल सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, इस साल वो अपना सर्विसेज हमारे देश के लिए दे रहे हैं, न्यूली है, फाइनल है सर्विसेज देना, दैट्स वाई वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा। बट जो घर बिक रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा, दैट्स द स्टोरी ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, करेंट ईयर में प्रोड्यूस्ड होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है ना, न्यूली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, सिर्फ वो फाइनल नहीं होना चाहिए, नया प्रोड्यूस होना चाहिए ये चीजें, ओके। एंड नेक्स्ट वन, दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर क्या था डेफिनेशन के अंदर, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। हम लोग मार्केट वैल्यू क्या है ये देख लिए, न्यूली किसे कहते हैं वो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसे कहते हैं, ये चीज। अब फाइनल किसे कहते हैं, फाइनल गुड्स का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं किसे, गुड्स एंड सर्विसेज आर एंड प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस, ऑफ अ प्रोसेस मतलब कोई भी चीज है उसका एंड हो, है ना, कोई भी गुड्स बन रहा है, इसके बाद सीधे वो बिस्किट बन गया, उसके बाद सीधे लोग उसको खाएंगे, दैट इज फाइनल है, उसके बाद वो किसी और चीज को बनाने में उपयोग नहीं आएगा, अगर आएगा तो इंटरमीडिएट है, तो फाइनल कहते हैं कि वो एंड प्रोडक्ट हो प्रोसेस का, उसके बाद उसका कोई प्रोसेस नहीं हो, उसके बाद वो किसी भी प्रोसेस में यूज नहीं आए, तो वैसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है ना। तो ये चीज, बट देखो, बट
कोई चीजें जो होती है वो फाइनल प्रोड्यूस नहीं होते। गुड्स एंड सर्विसेज चाहे तो वो फाइनल हो सकते हैं एंड प्रोडक्ट, चाहे वो दूसरे प्रोडक्ट को यूज आ रहे हो बनाने, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर बात कर रहे हैं तो हो सकता है ये फाइनल हो, सीधे बिस्किट है, सीधे आपका बिस्किट आपको सीधे अब लोग इसे खाएंगे, एंड प्रोडक्ट है। अब हो सकता है ये फाइनल नहीं, इंटरमीडिएट, क्या हो, इंटरमीडिएट हो, जो दूसरे को बनाने में यूज आ रहा है। एग्जाम्पल वीट ले लेते, वीट गेहूं, गेहूं से बिस्किट बनती है, तो गेहूं हुआ फाइनल तो किसान ने बना दिया, बट वो दूसरे में यूज आ रहा है इसलिए वो क्या है, इंटरमीडिएट है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड अंडर जीडीपी, ठीक है, काउंटेड अंडर जीडीपी, बट इंटरमीडिएट जो है वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड अंडर जीडीपी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ फाइनल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है, ओके। अब देखिए इंटरमीडिएट, अब क्या होता है, कोई गुड्स जो होते हैं ना वो दूसरे गुड्स को बनाने में उपयोग आते हैं, जैसे यहां पर इंटरमीडिएट, वैसे ही कोई मशीन होगा, क्या होगा, कोई मशीन होगा, मशीन भी तो दूसरे गुड्स को बनाने में उपयोग आते हैं। आपने एक मशीन कर दिया, उस मशीन के द्वारा क्या कर रहे हैं आप बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, नहीं, वैसे गुड्स को कहते हैं कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स है कि उसी साल आपका उपयोग आएगा ये बिस्किट बनाने में, कैपिटल गुड्स कहते हैं। आप मशीन खरीदे तो सिर्फ वही साल आप उस मशीन के द्वारा बिस्किट नहीं बना पाएंगे, आप अलग अलग सालों में उसी मशीन के द्वारा बिस्किट बना पाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल गुड। तो सिर्फ आप इसी साल की बात नहीं कर रहे, आगे वाले आने वाले भी साल की बात कर रहे। पर कैपिटल किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात है, मशीन कंट्री के लिए अंदर होना अच्छी बात है, ज्यादा मशीन होना, ज्यादा प्रोड्यूस करना, तो इसलिए कैपिटल गुड्स आर काउंटेड अंडर जीडीपी। ये सब चीजें याद होना चाहिए, कोई कोई इंक्लूड होता है, कोई इंक्लूड नहीं। कैपिटल गुड भी इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, गुड्स को बनाने में उपयोग आता है, बट वो सिर्फ एक साल नहीं, वो तीन चार साल, जब तक वो अच्छा मशीन है तब तक उपयोग आएगा। दैट्स व्हाई और कैपिटल गुड किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, That's why it is counted under GDP, ठीक है ना, तो ये GDP के अंदर counted होता है, okay? उसी तरीके से किसी ने गुड्स को बनाया, क्या किया, किसी ने गुड्स को बनाया और वो गुड्स ज्यादा बना दिए, आपका कंपनी था, आपने बिस्किट बनाया, आपने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया जितना होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसे स्टोर करेंगे जो ज्यादा प्रोड्यूस किया है ना। या सपोज आपने वीट खरीदा, आप किसी भी किसान से आपने वेट खरीदा, पहले 100 केजी खरीदा साल से पहले, और साल खत्म होते होते आपका 120 केजी वेट हो गया, समझ रहे, इसका मतलब क्या है, 20 केजी आपका वेट आपने बढ़ा दिया, समझ रहे हो, जो आपने स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, इन्वेंटरीज, क्या कहते हैं, इन्वेंटरीज, मतलब इन्वेंटरीज क्रिएट करना। मैं अभी इसे अभी मैं संगार ले रहा हूं, मतलब मैं इसे जमा कर ले रहा हूं, बाद में मैं इसका यूज करूंगा, तो ऐसे चीजों क्या कहता है, इन्वेंटरीज क्रिएट कर, है ना। कंपनी ने इन्वेंटरीज क्रिएट किया, उन्होंने उन्होंने वीट का वीट जो था उन्होंने अपने पास उनका ज्यादा हो गया, वो स्टोर ज्यादा करके रखा, तो क्या ये जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा, ये देखना, क्या ये जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा इन्वेंटरीज। तो देखिए इन्वेंटरीज जो आपने वीट क्रिएट किया है वो भी क्या होगा, दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में उपयोग आया होगा। आपने वीट जो है वो क्या किया, इन्वेंटरीज बनाया, वीट आपने ज्यादा रख लिया है एक साल कि आगे वाले आने वाले दिनों में काम आए, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेंटरी। अब देखिए ये इन्वेंटरीज को आप तो चाहे तो ये साल यूज करिए, आप चाहे दूसरे साल यूज करिए, आप चाहे तीसरे साल यूज करिए, आप चाहे पांचवें साल यूज करिए, समझ रहे हो। तो आप सिर्फ इसी साल की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जैसे कैपिटल गुड सिर्फ इसी साल की बात नहीं करता है, वैसे इन्वेंटरी गुड भी आप एक साल नहीं, दूसरा साल उपयोग करिए उसका, तीसरा साल उपयोग करिए उसका, तो इसे इन्वेंटरीज को भी क्या होता है, काउंटेड अंडर जीडीपी, काउंटेड अंडर जीडीपी। ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, जो कि बेसिक चीजें आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ देगा। बताइए कैपिटल गुड जीडीपी के अंदर होता है, कोई कोई मशीन खरीदा है तो वो क्या जीडीपी के अंदर होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन, मशीन दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में यूज आता है
ये तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए जीडीपी के अंदर, बट आपका रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज वो सिर्फ उसी साल की बात नहीं कर रहा है, वो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा कैपिटल, एंड कैपिटल इज गुड फॉर कंट्री। इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज क्या होता है जीडीपी के अंदर, अगर ऑप्शन में आ गया इन्वेंटरीज क्या कॉन्टेंट होता है जीडीपी के अंदर, तो आपने सोचा इन्वेंटरीज तो इन्वेंटरीज वीट है तो वो दूसरे गुड को बनाने में उपयोग आएगा, इंटरमीडिएट की तरह, तो होना तो नहीं चाहिए, बट वो सिर्फ इस साल नहीं, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल यूज हो सकता है, लाइक कैपिटल गुड्स, दैट्स व्हाई इट इज काउंटेड अंडर जीडीपी। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाट प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हम लोग कैसे काउंट करते हैं, तो ये स्टोरी रहा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, दैट इज हमें, हम लोगों ने देख लिया प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हम लोग जीडीपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया कि मार्केट वैल्यू का सभी का सम कर दो, मार्केट वैल्यू में प्रॉब्लम क्या आती है ये हम लोगों ने देख लिया, तीन चार जो प्रॉब्लम होती है वो देख लिया, न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड किसे कहते हैं ये देख लिया, फिर हम लोग फाइनल गुड्स किसे प्रोड्यूस कहते हैं वो देख लिया, है ना, फिर हम लोग देखे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में इंटरमीडिएट नहीं होगा, कैपिटल गुड इंक्लूड होगा, इन्वेंटरीज इंक्लूड होगा, तो ये हुआ प्रोडक्ट मैटर के थ्रू जीडीपी को निकालना। डेफिनेशन क्या है कि मार्केट वैल्यू के ऊपर अगर हम लोग न्यूली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विथ इन आवर नेशन फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, उसी को जीडीपी कहते हैं थ्रू प्रोडक्ट मैटर। नाउ लेट्स कम टू एक्सपेंडिचर मैटर, इसके थ्रू एक्सपेंडिचर मैटर के थ्रू कैसे हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करें, तीन मेथड था ये, सेकेंड मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ हिंदी में, खपत, खपत का अगर अगर सिनोनिम से देखा जाए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, दैट इज स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब टोटल स्पेंडिंग जो कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा है, टोटल स्पेंडिंग पेड बाय कंज्यूमर, उसे हम लोग क्या करेंगे सम कर देंगे, तो इसे क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। जो भी एक्सपेंडिचर लोगों के द्वारा खपत किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, तो उसे ही सम करो, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो हो सकता है ये खपत लोग जो हो वो किन के द्वारा हो सकता है ये खपत हमारा किस चीज के लिए हो, हमारा हो कोई भी चीज गुड्स को खरीदने के लिए, पहला खपत हो सकता है क्या, खरीदने के लिए कोई भी चीज को, उसे कहते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग। लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए, बिस्किट खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए, गेहूं खरीदने के लिए, कोई भी चीज को खरीदने के लिए, उसे क्या कहेंगे कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जो लोग खपत कर रहे हैं, ठीक है, ओके, दैट इज खाना, जो उन्हें प्रोडक्ट खरीदना है उसके ऊपर जो वो खपत कर रहे हैं, ओके, हाँ, तो पहला हो गया दैट इज कंजम्पशन के लिए ये खपत कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि ये कोई भी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए खपत कर रहे हैं, करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए खपत करना, घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, कंपनी जो है कैपिटल खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, हो सकता है वो इस ये सब चीजों में वो अपना पैसा खपत कर दे। सेकेंड पार्ट क्या, इन्वेस्टमेंट। थर्ड पार्ट क्या, गवर्नमेंट जो है वो खपत कर रही हो परचेस करने, परचेस करने में गवर्नमेंट खपत कर रही हो परचेस करने में क्या, गुड्स एंड सर्विसेस, गवर्नमेंट खपत कर रही है, ठीक है, परचेस करने में गुड्स एंड सर्विसेज, ये चीजें हो सकती, या फिर क्या खपत हो रहा है किस चीज में, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो एक्सपोर्ट पहले हम लोग देख चुके हैं, नेट एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए टोटल स्पेंडिंग लोग चार चीजों के ऊपर खपत कर सकते हैं, पहला खपत वो कर सकते हैं अपने ऊपर, कंजम्पशन के लिए खपत कर सकते, कंज्यूम करने के लिए वो खपत कर सकते। दूसरा इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने सेव कर रखा है, जमीन खरीदना है ना, उनको घर बनाना है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी को वेयर हाउस बनाना है, उसके ऊपर खपत कर सकते। और क्या, गवर्नमेंट खपत कर सकते, किसके ऊपर, अपने ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए गवर्नमेंट खपत कर सकते, परचेस करने के लिए, है ना, लाइक डिफेंस को, डिफेंस में हो सकता है ऑफिस के लिए टेबल चाहिए, ऑफिस के लिए चेयर चाहिए, तो वो सबको परचेस करना है, डिफेंस के चीजों को परचेस करना है, तो वो सब चीजें।
हो सकती है, और क्या नेट एक्सपोर्ट के ऊपर खपत हो सकती है। मतलब एक नेट नेट कभी भी आ जाता है ना, तो मतलब कितना मिला माइनस कितना दिया, तो मिलेगा क्या हमें, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तब हमें पैसा मिले, तो एक्सपोर्ट माइनस जो मैंने दिया, क्या दिया इम्पोर्ट, इम्पोर्ट हुआ तो पैसा दिया, तो नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज एक्सपोर्ट, जो हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जो बाहर के कंट्री में प्रोड्यूस होकर के हमारे कंट्री में बिके उसे क्या कहते हैं, इम्पोर्ट कहते हैं। बाहर के कंट्री में बने हमारे में यहाँ बिके, गलत बात ना है, तो बाहर वाले में बन रहा है हमारे यहाँ बिक रहा है, हमारे कंट्री में जो प्रोड्यूस हुआ है वो ना जीडीपी के अंदर होगा, इम्पोर्ट तो बाहर वाले कंट्री में बन रहा है, इसलिए इम्पोर्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना, जो इम्पोर्ट के ऊपर लोग खर्च कर रहे हैं वो माइनस करेंगे, क्योंकि वो बाहर वाले देश में गुड्स बना है, जीडीपी का मतलब जो हमारे देश के अंदर बने, ठीक है ना। सो दैट्स स्पेंडिंग हम लोग चार चीजों के ऊपर कर सकते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट पर्पज से गवर्नमेंट खरीदती है गुड्स एंड सर्विसेज, फोर्थ नेट एक्सपोर्ट के पर्पज से, तो ये चार चीजें। अब ये चार चीजों में भी हम लोग क्या देखेंगे, हर चीजों को ब्रेक करके देखेंगे, है ना, ये चार चीजों में ब्रेक करके देंगे। सबसे पहला क्या, कंजम्पशन, कंजम्पशन। अब ये देखिए, कंजम्पशन आप कर रहे हो किस चीजों के लिए, हो सकता है आप ड्यूरेबल वाले चीजों के लिए कर कंजम्पशन, क्या ड्यूरेबल चीजों के लिए आप कंजम्पशन कर रहे हो, एग्जाम्पल आपने एक बेड खरीदा, एग्जाम्पल आपने एक फेस खरीदा, एग्जाम्पल आपने एक इन्वर्टर खरीदा, एसी खरीदा, तो ये सब क्या चीजें है ड्यूरेबल, जो लंबे टाइम के लिए चलेंगे, 2 सालों 5 सालों के लिए चले, तो ये सब चीजों के लिए आप कंजम्पशन कर सकते हैं। हो सकता है आप नॉन ड्यूरेबल के लिए कर, नॉन ड्यूरेबल का मतलब तुरंत आपने उसका यूज कर लिया, ड्यूरेबल का मतलब लंबे पीरियड टाइम के लिए चले, नॉन ड्यूरेबल का मतलब आपने तुरंत यूज कर, आपने कुरकुरे वो कुरकुरे खरीदा, ओरियो खरीदा, वो सब क्या है तुरंत आपको खाना पड़ेगा, तो वो सब चीजों क्या है नॉन ड्यूरेबल। और क्या हो सकता है, ये क्या है, ये गुड्स की बात कर, गुड्स कंजम्पशन अगर हम लोग गुड्स की करें तो वो ड्यूरेबल गुड्स हो सकता है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो सकता है कंजम्पशन का, एग्जाम्पल ड्यूरेबल गुड्स का फ्रेश एसी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का राइस व्हीट, है ना, ये सब लंबे टाइम तक नहीं रख सकते, तो गुड्स का कंजम्पशन। और हो सकता है आप सर्विसेज का कंजम्पशन, है ना, सर्विसेज का कंजम्पशन करें, सर्विसेज किसे कहते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन के ऊपर आप अगर खपत स्पेंडिंग कर रहे हो, है ना, कंजम्पशन कर रहे हो, फिर क्या हॉस्पिटल की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो सारी चीज, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आप खर्च कर रहे हो तो वो कंजम्पशन के अंदर आया, समझ रहे हो, तो ये पार्ट। तो कंजम्पशन हम लोग देखे कि क्या चार चीजें होती है एक्सपेंडिचर मेथड में, दैट इज कंजम्पशन प्लस क्या, अच्छा इसे अगर मैं लिखूं, दैट इज कंजम्पशन प्लस क्या इन्वेस्टमेंट प्लस क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू परचेज एंड प्लस क्या नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। और इसी चीज को क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से, क्या वाई से, ठीक है ना, वाई से। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, इस प्रोसेस से कंजम्पशन कितना किया, इन्वेस्टमेंट कितना किया, गवर्नमेंट कितना परचेस की, नेट एक्सपोर्ट के ऊपर कितना खर्च हुआ, सभी को सम कर दीजिए, ये हमारा क्या बताएगा, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कितना एक्सपेंडिंग हुआ, समझ रहे हो, कितना स्पेंडिंग हुआ, ओके। हाँ, वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जीडीपी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीडीपी, ठीक है ना। वाई यहाँ पर बता रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल जो हम लोग देखे थे, दैट इज टोटल प्रोडक्शन इनकम मेथड इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट, टोटल इनकम, समझ रहे हो ना, वाई रिप्रेजेंट कर इसको, जीडीपी को, जिसका मतलब टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम, दैट इज फंडामेंटल, जो हम लोग वहां पे फंडामेंटल बेसिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसी को ना कहते थे प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू इनकम मेथड, तो उसको वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चार चीजें, अब चारों चीजों को ब्रेक करके देखेंगे, सी को ब्रेक करके देखा, गुड्स हो सकती है कंजम्पशन, किसका हो सकता है, गुड्स का, गुड्स का भी कंजम्पशन ड्यूरेबल हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल हो सकता है, या किसका कंजम्पशन, सर्विसेज कंजम्पशन हो सकता है, तो ये हम लोग डिवाइड किए कंजम्पशन। उसी तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, इन्वेस्टमेंट, किसको, इन्वेस्टमेंट को,
अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट जो हो सकता है किसके द्वारा हो, प्राइवेट वाले के द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा हो इन्वेस्टमेंट, है ना। अच्छा कंपनी के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट देखिए हो सकता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हो क्या चीज खरीदने में, कैपिटल को खरीदने में, मशीन को खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर रही हो, कौन, कंपनी, है ना। और हो सकता है कंपनी कंपनी कर रही हो वेयर हाउस को खरीदने में, वेयर हाउस बनाने में, समझ रहे हो, फैक्ट्री को बनाने में, है ना, फैक्ट्री दैट इज कोई कोई रेंट पर लैंड लेने में। तो ये चीजें को ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंपनी कि पहला कोई भी कैपिटल को बनाने में, तो इस चीज को हम लोग क्या बन, इस चीज को कहते हैं दैट इज प्रोड्यूसर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कैपिटल को खरीदते, तो कैपिटल क्या है, ड्यूरेबल इक्विपमेंट है, तो उसको खरीदने में प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर वेयर हाउस बनाने में। वेयर हाउस का मतलब क्या, ये रेसिडेंशियल नहीं, नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया गया, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, रहने के लिए नहीं, कंपनी खोलने, तो नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर दैट इज वेयर हाउस बनाना, कंपनी लैंड खरीदना, तो ये सब इन्वेस्टमेंट के अंदर आए। तो हो सकता है प्राइवेट वाले करें और हो सकता है रेसिडेंशियल इंसान करे, क्या करे, रेसिडेंशियल इंसान इन्वेस्टमेंट करे, समझ रहे हो कि नहीं। हो सकता है प्राइवेट लोग जो कंपनी वाले फॉर्म वो इन्वेस्टमेंट करे, हो सकता है रहने वाले लोग करें, जिनको घर बनाना है, जिनको जमीन खरीदना खरीदना है, किस पर्पज से, उनको रहना है, उनको कमाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं खोलना है, उनको कमाना, तो रेसिडेंशियल पर्पज से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। और क्या हो सकता है, और कौन इन्वेस्टमेंट किए, पहला तो लोग हुए प्राइवेट वाले, एक लोग हुए अपने पर्पज, और कौन इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट, कौन करती है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट करती है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट करती है इन्वेस्टमेंट, है ना। ओके अब गवर्नमेंट भी देखो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हो सकता है ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही हो किस वजह से, डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने की वजह से, डिफेंस चीजों को खरीदना, रशिया से S-400 मिसाइल मंगाना, तो वो किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का जो डिफेंस के लिए, है ना। बट हो सकता है नॉन डिफेंस पर्पज से भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही, नॉन डिफेंस पर्पज, नॉन डिफेंस पर्पज के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही हो, लाइक एजुकेशन में, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाना, है ना, हॉस्पिटल बनाना, तो वो सब क्या, नॉन डिफेंस पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करे, है ना। और क्या हो सकता है, ये तो गवर्नमेंट सेंटर लेवल पे बात हो गई, दैट इज मोदी गवर्नमेंट की बात हो गई, डिफेंस लेवल, नॉन डिफेंस लेवल, और हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट हो किसके द्वारा, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर ये पार्ट हो गई किसके अंदर, हमारा इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट में क्या देखा, प्राइवेट वाले कर सकते हैं रेसिडेंशियल, प्राइवेट वाले जो हैं वो अपने वेयर हाउस को खरीदने में कर सकते हैं, डेट इज नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। कैपिटल वाले हैं वो कर सकते हैं किसके लिए, ड्यूरेबल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, प्राइवेट वाले कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, ड्यूरेबल इक्विपमेंट खरीद। फिर रेसिडेंशियल वाले अपने घर में रहने के लिए, हाउस के लिए लैंड खरीद सकते हैं रहने के पर्पज से, तो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे, डिफेंस में वो कर सकते हैं, नॉन डिफेंस पर्पज से कर सकते हैं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की काम हुआ, अब ये स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना, लाइक नाली बनाना, लाइक रोड बनाना, तो वो सब क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट में भी ये बात, प्राइवेट, रेसिडेंशियल एंड गवर्नमेंट, तो दे आर थ्री टाइप इस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, ठीक है। अब हमको देखना है, दैट इज हम लोगों ने कंजम्पशन देख लिया, इन्वेस्टमेंट देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे, गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट की बात किया ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये गवर्नमेंट जी के अंदर है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ दो आएगा, प्राइवेट एंड रेसिडेंशियल, प्राइवेट एंड रेसिडेंशियल, जो भी ये गवर्नमेंट कर रही है काम, ये गवर्नमेंट परचेस के अंदर ना आएगा, दैट इज थर्ड पार्ट ना, तीसरा के अंदर आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्राइवेट एंड रेसिडेंशियल, और ये जितना भी गवर्नमेंट डिफेंस, नॉन डिफेंस पर्पज के लिए खरीदे, लोकल खरीदे, वो सब क्या, गवर्नमेंट परचेस के अंदर आएगा, ठीक है। एंड लास्ट दैट इज एनेक्स, एनेक्स का मतलब क्या, नेट एक्सपोर्ट, एनेक्स का मतलब क्या, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है,
जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुआ हो उसके ऊपर लोग खर्च करे, अच्छी बात है, लेकिन जो बाहर वाले के ऊपर खर्च करे इंपोर्ट के ऊपर, वो जीडीपी के अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं है वो, इसलिए इंपोर्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हुआ नेट एक्सपोर्ट के ऊपर लोग कितना खर्च कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूस गुड्स माइनस जो बाहर वाले गुड्स प्रोड्यूस है हमारे देश के अंदर नहीं हुआ उसको माइनस कर, इसके ऊपर लोग कितना खर्च कर रहे हैं उसको इंक्लूड कर। तो हमें एक्सपेंडिचर देखना है, कंजम्पशन के ऊपर लोग कितना खर्च किए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च कितना किए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर लोग कितना खर्च किए, एंड लास्ट में नेट एक्सपोर्ट के ऊपर कितना लोग खर्च किए। ठीक है,